अभी हम हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां पर आप देख सकते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के तहत जोहार संगीत थीम के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां झारखंड के कल्चर को महत्व देते हुए, झारखंड के भोजन का महत्व देते हुए यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि यह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किन किन तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोहार संगीत फेस्ट के पहले स्टॉल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह स्टॉल जो है शामिल का कपड़ा का स्टॉल लुगा फटा। तो इन लोगों से जानते हैं कि कपड़ा आवर कल्चर इज ग्रेट, आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग इज ग्रेट। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिनाई द वेस्टर्न कल्चर इज स्लोली बट स्टेडीली डोमिनेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। We have to live with the modern encroachment also. At the same time, we should never forget our traditions, a great tradition. Our elders have designed our life in such a way that living is always a happy living. Living is always with a content life. Living is always with self-sufficient. That is our traditional way of living that has been represented today. Since tomorrow being the tribal day, and today our Ranji University has taken a lot of pain in representing our traditional way of living, traditional way of working, traditional products, how it has been made, traditional food, everything. It is a fine, and I am enjoyed today. I am always for the development of our tribal sisters and brothers. ये कार्यक्रम हमें ट्राइबल कल्चर को डिपिक्ट करना था, ट्राइबल कल्चर को कंजर्व करना है। बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही है, था मैंने बोला, बहुत सारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स विलुप्त हो रहे हैं। तो हर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर अगर हमारा आज का जनरेशन इसको कंजर्व नहीं करेगा, इसको पॉपुलराइज नहीं करेगा, जैसे राजभवन में पेंटिंग की बात चल रही है, यहाँ से अभी एक नंबर लेके गए हैं लोग कि उसी से पेंट करवाएंगे। तो एक चीज़ हुआ ना, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी राजभवन में आप भेज दीजिए, हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। छोटी छोटी चीज़ें, जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था झारखंड दिवस के रूप में, और एक बहुत ही सफल, बहुत सुनियोजित और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आदिवासियों के रहन सहन और उसके संस्कृति को हम लोग प्रत्येक साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आदिवासियों की जो अपनी संस्कृति है, खान पान, पेंटिंग या कृषि करने का, वो सारी चीज़ों को आज के दिन हम लोग दिखाते हैं, इसलिए कि न्यू जनरेशन के बच्चे इसको देखें और इसको याद करें, जिससे कि ये संस्कृति जिंदा रहे। क्योंकि देखा जा रहा है अभी कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, धीरे धीरे ये संस्कृति कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। लड़कियों ने खुद खाना बनाया है, और जितना क्राफ्ट है, जो फैशन डिज़ाइनिंग का जितना कपड़ा था, सब बच्चों ने खुद सिला है, पेंटिंग किया है, उसका एसेसरीज जो जितना था सब उन्होंने अपने बनाया है। और हम लोगों की कोशिश थी कि पूरे झारखंड के इंडिजिनस को, ट्रेडिशन को यहाँ हम लोग ले आएँ। हम लोगों ने गांव-गांव से यहाँ का जो ज्वेलरी है, पुराना गहना, यहाँ का खेती, टूल्स, ढेंकी, जाता, कुम्हार, पत्ती बनाना, धान पकाना, वो ये जो ओखली है, मतलब जितना ट्रेडिशनल था, हम लोगों ने कोशिश की कि हम यहाँ एक मंच के नीचे ले आए, जिससे हमारे बच्चे जो इनसे अनभिज्ञ हैं, अपनी परंपरा को पुनर्जीवित करके और उसको उसको सम्मान दे करके और उसको
उसको जी करके देखा। हमने यहाँ कोशिश की थी कि पूरी परंपरा हमारे रीजनल क्षेत्र की पूरी परंपरा को हम प्रदर्शित करें। खादी का बंडी है, कुर्ती है, ये सब कुर्ती है, टावल है, साड़ी है। साड़ी, इन साड़ियों के बारे में कुछ खास महत्व क्या होता है? झारखंड में सबसे ज़्यादा ये ड्रेस को यूज़ किया जाता है, झारखंडी कल्चर भी माना जाता है। खादी साड़ी बोले जाते हैं पड़िया में। अच्छा, ये सब कितने कितने के रखे हुए हैं? 800 का है, 800 का भी है, 1500 का भी है, 700 का है, जैसे मतलब सभी तरह के हैं। पेंटिंग के हिसाब से, जैसे इसको हमको लगा है 1 सप्ताह और वो लगा है 2 सप्ताह। वो कपड़े पर उतार दिए पूरे पेंटिंग, काफ़ी मेहनत लगता है। हाँ, मेहनत तो लगता है। कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है, आदिवासी। ये पेंटिंग्स हम खुद से बनाती हैं? हाँ। कितना समय लगता है एक पेंटिंग्स बनाने में? छोटा वाला बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा लगता है। 2 से 3 घंटा लगता है। हाँ, और बड़ा वाला बनाने में कम से कम 5 घंटा लगता है। तो ये जो इसकी कीमत क्या रखी है आप? ये छोटे वाले का 400 और ये वाले का 800। मैं यहाँ पे आर्ट कर रही हूँ, कला कर रही हूँ। अभी खासकर हम लोग तो गोदना वाला आर्ट कर रहे थे। गोदना यानी कि झारखंड का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, बहुत प्राचीन आर्ट है, जो हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल किया करते थे अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, अलंकृत करने के लिए। तो ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, ये जो आर्ट है, इसका खुद का अपना मीनिंग है। ये इसमें जो पहले के लोग होते थे वो नेचर से प्रकृति से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे कि स्कॉर्पियन हुआ, चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, उसको डिनोट करते थे, मतलब दिखाते थे अपने शरीर पे। उनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है, यानी कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो केवल ये जो आर्ट है, ये जो कला है, उसी के साथ उनके साथ जाता है। आप देख रहे हैं ये कंघी है, और पहले के ज़माना, अभी तो प्लास्टिक की कंघी देखने को मिलती है, लेकिन पहले है कि ये बांस की कंघी। जी, बहुत मेहनत लगाना चाहिए उसके बारे में। जी, मेहनत बहुत मेहनत लगा है, लेकिन ये है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। प्लास्टिक तो प्रदूषण हो रहा है, आप जान ही रहे, लेकिन आप देखिए पहले के ज़माना में कितने समझदार लोग थे कि सारा चीज़ जो प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से बनती है, जो प्रकृति को, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते थे वे लोग। और ये है सूप है जो धान सब निकालने, चावल निकालने, फटकने का काम में आता है। सामने अगर आप देखेंगे तो इस ओर यहाँ पर बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक लगा हुआ है, जो शायद ही कोई इस पुस्तक से वाकिफ नहीं होंगे। देखिए आप, पुस्तक यहाँ पर, इस पुस्तक को लगाया गया है, कुमार सुरेश सिंह इसके लेखक है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बाकी इसके बावजूद भी कई तरह की यहाँ पर पुस्तकें हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर झारखंड के कल्चर को बढ़ावा देते हुए कई तरह के सामानें रखी गई हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पर ये तीर रखा हुआ है, धनुष रखे हुए हैं, कुंडी। अच्छा, कुंडी बोला क्या काम आता है? चूहा मछली पकड़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुंडी रखा हुआ है, इसे लोग मछली पकड़ते थे, लेकिन अभी जाल वगैरह आने की वजह से जाल से यूज करते हैं। बाकी ये भी है जो कि मछली पकड़ने के उपकरण हैं, और भी बहुत सारी सामानें हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मिक्सर अभी आप मशीनों से यूज करते हैं मसाला पीसने में, लेकिन पहले इसी पत्थर से पीसा जाता था मसाला, और लोग सब्जी बनाने में या तरह तरह की सामानें बनाने में यूज करते थे। इसमें है जो धान सिजा रहे हैं, और इसमें दाल पीसते हैं। अच्छा, दाल पीसते हैं, ये मसाला वगैरह इसी में पीसते हैं। हाँ, हो जाएगा मसाला। क्या नाम है इसका, जरा इसको, क्या नाम है इसका? पीसने भी बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ। तो इसमें दाल हुआ, चाहे छिलका रोटी जो बनाते हैं ना, वो चीज का जो चावल, इसमें भी पीस सकते हैं। और मसाला वगैरह भी पीस? हाँ, मसाला वगैरह सब काम चल जाता है। अच्छा, ये जो है ये क्या है, ये वाला? इसमें भी दाल पीसते हैं, ये दूसरा प्रकार का है, ये इस तरह से पीसा जाता है। इसको घुमाती है और यहाँ पर देती जाती है और पिसाते जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया जाएगा दाल और इस तरह से पीसा जाएगा। अब आप सामने के स्टॉल पर देखेंगे तो यहाँ पर दाल, साग एवं तेल का स्टॉल रखा हुआ है, साग बरी नाम लिखा हुआ है, इधर स्वादिष्ट भोजन भी रखा हुआ है। ये मुंडारी भाषा विभाग रांची विमेंस कॉलेज के छात्र छात्रा यहाँ पर स्टॉल लगाई हुई हैं। बाकी आप सामने के स्टॉल पर देखेंगे तो यहाँ पर तरह तरह की दाल है, उड़द दाल है, चावल आटा है, अरहर है, कुर्थी दाल है, और
माठा साग है, तरह तरह की यहाँ पर चीज़ें रखी है, क्या क्या है इसमें? इसमें आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपको विटामिन मिलेंगे, आयरन मिलेंगे, सारी चीज़ आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स है। अच्छा, ये मुचरी साग, इसे आपको खून जो जिसका साफ होता है, खून बहुत साफ होता है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो फूल है इसको, ये क्या इसका फूल है? ये सनई फूल है। अच्छा, सनई फूल जी, इसका क्या फायदा है? इससे भी मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपका खून जो आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कम करता है। अच्छा, ये जो पुटकल साग है ये कहाँ इसको पाया, कहाँ पाया जाता है? ये अब इसका पेड़ होता है, पेड़ होता है ये, आपको सरहुल के पहले यानी स्प्रिंग के सीजन में, बसंत के ऋतु में आपको ये मिल जाएगा। घर क्या क्या रखे हैं? तेल भी आपके पास तरह तरह की जी, बिल्कुल तेल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये डोरी का तेल है जो महुआ से निकाला जाता। अच्छा, है महुआ से तेल निकाला जाता जी, बिल्कुल, इसे डोरी का तेल कहा जाता है। ये नीम तो आप तो जानते हैं, नीम का तेल है, ये अरंडी का तेल, अगर आपको किसी प्रकार का दर्द होता है तो उसमें यूज किया जाता है। पर सामने तरह तरह के साग भी हैं, तो साग के बारे में जरा बताइए। ये साग सब आपको जैसे कि आप विटामिन के लिए दवाइयाँ खाते हो, इनसे भी आप अपने विटामिन आयरन ले सकते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर है आपके, बहुत सारी बीमारियों में ये काम देते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे आप ये देख सकती है मुनगा का है, जो तरह तरह का प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलता है उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। अगर आप ये, अगर आप हेल्दी चीज खाते हैं तो ये ज्यादा फायदा आपको करते हैं। क्या क्या बना रही है? हम लोग अरीसा रोटी बना रहे हैं, छिरका रोटी भी बोलते हैं हम लोग, मुंडा से छिरका तई हुलम बोलते हैं मुंडा से। तो इसको बनाने का प्रोसेस है कि चावल को हम लोग को पहले भिंगाते हैं, भिंगाने के बाद फिर से इसको कूटा जाता है, फिर ये आटा बन जाता है, फिर उसके बाद आटा बनने के बाद इसमें गर्म पानी या उष्ण पानी, गर्म नहीं उष्ण पानी या ठंडा पानी में भी हम लोग बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा चीनी डाल के हम लोग बनाते हैं। फिर बनाने के बाद इसे घोलते हैं पानी के साथ, फिर घोलने के बाद इसे, अभी बना रही है ना तेल सबसे पहले, फिर डाल रही है, इसे प्रोसेस है। अब हम इस स्टॉल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ इसका नाम दिया गया है हो देश के हो बच्चे। सामने आप देख सकते हैं कि रानू है, हड़िया है, हड़िया को अभी महामहिम राज्यपाल आए थे, तो हड़िया आप लोग टेस्ट करवाए, चखाए उनको? नहीं, वो नहीं पीते हैं, बोल नहीं पिए वो, नहीं, बट वो ये खा लिए थे, चखना खा लिए बस। अच्छा, चखना इसका खा लिया। चखना क्या चीज़ से बनाती है? ये है मतलब मैम लोग बनाई है, लेकिन चना है और चिकन है, और जो चना और चिकन, हाँ, वहाँ पे ठंडा हो जाता है, थोड़ा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है। हड़िया ही पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा, हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, केमिकल भी नहीं है इसमें, कोल्ड ड्रिंक शरबत टाइप, शरबत। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार अगर पी लिए तो उसको बार बार पीने का मन करता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। झारखंड का चाय है, सुबह शाम पीती है? नहीं वैसे तो नहीं, बट पूजा में इसको तपावन के रूप में भी पिया जाता है, इसको प्रसाद मान के, प्रसाद के रूप में माना जाता है, हाँ, उसको तपावन बोलते हैं। आपके स्टॉल पर क्या क्या है? ये मड़वा का मोमो है, मड़वा का मोमो, यहाँ मड़वा का मोमो है, और अच्छा, राज्यपाल महामहिम अभी आए हुए थे तो खिलाई मोमो आपको? हाँ, एकदम खिलाए, बहुत पसंद किए, बहुत पसंद किए वो, बहुत पसंद आया उनको और बहुत तारीफ भी किए। और मड़ुआ से क्या क्या बना रही है? मड़ुआ से बस यही वो छिलका रोटी था जो कि खत्म हो चुका है। मड़ुआ का मोमो कैसा लगा खाकर? अच्छा, बाहर में ये मड़ुआ का मोमो मिलता है? मिलता है कहीं कहीं, शायद कहीं कहीं, शायद बहुत रेयर मिलता है। अच्छा, हमने तो कहीं नहीं देखा रांची में, कहाँ मिलता है? नहीं जाने, बट रांची में मिलता है। अच्छा, अब तक तो आप लोग मड़ुआ का मोमो नहीं खाई थी, आज खाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। मशरूम का सब्जी और पत्ता लड्डू, पत्ता लड्डू, पिकल का चटनी है, चना आलू का सब्जी, धनिया चटनी। कैसे बनाती है इसको? चावल और आटा को पीस के पत्ता का ये कोला बना के उसमें डाल के भर के बनाते हैं, भाप से बनता है। हम कच्चू का पीठा, छिलका पीठा, लवा छिलका, गुड़ पीठा, जो हमारा सेलिंग हो चुका है, ये लास्ट बचा हुआ है हमारा कच्चू का पीठा, जो हमारे झारखंड में फेमस है, बट स्पेशली हमारे छोटा नागपुर में फेमस है, हमारे पंच परगना कुरमाली क्षेत्र में, जिसको हम लोग बहुत शौक से खाते हैं और आई थिंक सो टेस्टी। ये झारखंड के पूर्वजों का प्रतीक थे, मतलब कि हर तरह से अपना सुरक्षा के लिए इसी का उपयोग हुआ करता था, मतलब जितने पूर्वज थे, जंगली जानवर हो गया या और भी कोई कारण हो गया, तो यही मतलब कि सुरक्षा का मेन प्रतीक था, ये एक तरह से सांस्कृतिक प्रतीक भी है झारखंड का।
और उसी का धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है अभी। हाँ, इसी को बनाए रखने के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत अच्छा कर, नहीं तो धीरे धीरे ऐसा ऐसा चीज़ है ना अभी सब विलुप्त होते